साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण की एक विधि दे रहा हूं, और उससे पहले ये बता दूं कि मैं काफ़ी वीडियोस देख रहा हूं, काफ़ी चैनल में देख रहा हूं कि कुछ ऐसी विधि दी जा रही है जो आधी अधूरी होती हैं, है ना, मतलब कि पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है आपको और विधि सही तरीके से नहीं दी जा रही है। तो आप लोग यदि काफ़ी विधि यदि कर रहे हैं, और विधि क्या होती है कि दोस्तों देखिए, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, अगर कोई भी एक जानकारी छूट जाती है, कोई भी एक छोटा सा भी अगर टॉपिक अगर छूट गया तो ये विधि वर्क नहीं करती है, क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, बहुत ही जटिल क्रियाएं होती हैं। आप लोग ये ना सोचिएगा कि किसी के दिमाग को चेंज करना इतना आसान है कि बस ऐसे यूं घुमाया, ये छोटा सा प्रयोग किया, वो छोटा सा प्रयोग किया और किसी का भी आप दिमाग चेंज कर सकते हैं। हमारे पार्ट जो हमारे बॉडी के जो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। तो जो लेफ्ट साइड होता है वो शक्ति कहा गया है, और राइट साइड जो होता है वो शिव कहा गया है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है यानी कि अवचेतन मन, उसको चेंज करने के लिए यानी शक्ति के लिए शक्ति का ही प्रयोग किया जा सकता है। अब यदि शक्ति यानी कि लेफ्ट साइड ये होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो उसमें अगर आप कुछ प्रयोग करके चेंज कर सकते हैं तो किसी व्यक्ति को वशीकरण कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको चेंज नहीं कर पाए तो किसी व्यक्ति का वशीकरण नहीं हो सकता। बस आपको उसकी जो अवचेतन मन की ताकत है उसको डाउन करना होता है, ये होता है वशीकरण, है ना। तो इसके लिए कुछ खास तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, और इसमें कुछ कंडीशंस होती है कि यदि आप किसी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं और उसका पहले से वशीकरण है, या उसका उसके ऊपर कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, या उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो कोई भी विधि उस पर वर्क नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए, है ना। तो आप लोग यदि काफी विधि ट्राई कर रहे हैं किसी व्यक्ति पर लेकिन आप वशीकरण नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ है विधि करने में, और ये विधि यदि मुझसे करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। रिजल्ट आपको 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज में मिलेगा। अगर आपको कोई ये कहता है कि 1 घंटे में, 1 दिन में किसी का वशीकरण करके दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि ऐसे लोग फ्रॉड हैं। क्योंकि दोस्तों 1 घंटे में, 1 दिन में, 3 दिन में किसी के दिमाग को चेंज करना ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है तो आप अलर्ट हो जाइए और फ्रॉड लोगों से थोड़ा बच के रहिए, ठीक है। और आज की जो मैं विधि बता रहा हूं दोस्तों आपको, ये आप सोमवार के दिन में, बुधवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में और शनिवार के दिन में, इन 4 दिनों में से 12 बजे से पहले आप कभी भी कर सकते हैं। शुद्ध तन मन के साथ में करना है, स्वच्छ कपड़े पहन करके करना है, और नॉन वेज वगैरह, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को कर लेते हैं तो उस दिन अवॉइड करेंगे और ब्रह्मचर्य से रहेंगे। और महिलाएं यदि कर रही हैं तो अशुद्धि वाले दिन में इस प्रयोग को नहीं करेंगे। यदि आपकी कंडीशन किसी भी रिश्ते को लेकर के बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, पति पत्नी में इतनी अनबन हो गई, डाइवर्स तक कंडीशन पहुंच गई, तो ये प्रयोग जरूर करें। यदि ये कुछ लव मैरिज का यदि कोई वैसा प्रॉब्लम है, उसमें यदि आपका कोई भी मतलब रिश्ता ऐसा हो रहा है कि लव मैरिज में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड शादी करने से मना कर रहे हैं, तो भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। आपको बस ये करना है, 5 लौंग लेनी है आपको फूल वाली, ठीक है, अखंडित लौंग लेनी है आपको। इसको पहले शुद्ध जल से या गंगा जल से, गौमूत्र से स्वच्छ कर लेना है। बाहर से कोई भी चीज लाते हैं तो पहले उसमें स्वच्छता जरूर करें, पवित्रीकरण जरूर करें, तभी वो विधि वर्क करती है। और घर के किसी एकांत कमरे में बैठ जाना है आपको, किसी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। एक बाजोट लगा लें पटरा, उसके ऊपर एक प्लेट में 5 लौंग रख लें, 1 घी का दिया जला लें, सिर पे कपड़ा, नीचे आसन रखें, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक मंत्र के द्वारा इन लौंगों को आपको अभिमंत्रित करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 मिनट तक आप जब बैठ जाएंगे, पूर्व दिशा की तरफ मुख रख के बैठना है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा, आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, कन्फर्म नहीं है, तो आप करंट फोटो के द्वारा फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपके हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, आपकी परेशानी को सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, या विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप पे जाकर के, छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएंगे और आंख बंद करके यहां आज्ञा चक्र में आपको थोड़ा ध्यान लगाना है, ठीक है? क्योंकि देखिए विधि कर रहे हो तो सही तरीके से करना पड़ेगा। आज्ञा चक्र में यहां ध्यान लगाएंगे तो आज्ञा चक्र का मतलब ही होता है कि अगले व्यक्ति के आज्ञा चक्र को डाउन करना। जब उस व्यक्ति का आज्ञा चक्र डाउन होगा तब आपकी पॉजिटिविटी उस तक जाएगी और उस व्यक्ति का जो नेगेटिव थॉट है वो चेंज होकर के आपके लिए अट्रैक्ट होना शुरू होगा, है ना? तो यहाँ पर आज्ञा चक्र में यहाँ ध्यान लगा के आंख बंद करके और उस व्यक्ति को 2 मिनट तक विजुलाइज करें। उसकी जितनी गहरी इमेज आप सोच सकते हैं मन में, उतनी क्लियरिटी से एकदम क्लियर इमेज आपको सोचना है 2 मिनट तक। जब ये हो जाता है तो उसके बाद 5 लौंग जो आपने ली थी सीधे हाथ में आप रखेंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे, उल्टे हाथ में इस तरीके से रख लेंगे। उसके बाद में 251 बार एक मंत्र का जाप करेंगे। अब यहां भी आपको ध्यान देना है कि मंत्र का जाप 251 से 50 नहीं, 252 नहीं। मंत्रों की काउंटिंग बहुत ध्यान से आपको करना है, ठीक है? तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अमुक वसम कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अमुक वसम कुरु स्वाहा। अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेंगे, ठीक है, जिस व्यक्ति को आप वशीकरण कर रहे हैं। और उसके बाद में लौंग जब आपकी अभिमंत्रित हो जाती है तो इसको किसी प्लेट वगैरह, जिस प्लेट में सामने आपने पात्र में रखा हुआ था उसमें रख दीजिए और उसको अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। दिया उठाइए, दिया को भी पूजा स्थान में रख दीजिए। अब 12 बजे के बाद, जैसे सोमवार को आपको 12 बजे से पहले ये रेमेडी करनी है, अब यदि बुधवार को, सोमवार को, जिस भी दिन आपने किया तो 12 बजे से पहले ये रेमेडी कर लेंगे। अब 12 बजे के, जैसे 12 बजे का टाइम ओवर होता है, इसको उठा करके उस व्यक्ति के या तो आप घर में छत में डाल दीजिए या उसके घर के रास्ते में डाल दीजिए या फिर जहां से वो आता जाता है उसके पैर उसमें पड़ना चाहिए। जैसे ही उसके पैर उसमें पड़ेंगे दोस्तों, आप देखेंगे इसकी जो शक्ति एनर्जी होगी, जो अपने मंत्रों के द्वारा इसमें एनर्जी क्रिएट की है, वो उसकी चपेट में आ जाएगा। और टोटल आप देखेंगे 7 डेज, 11 डेज में या 21 डेज में, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा उसका वशीकरण हो जाएगा, टोटल आपके अनुकूल हो जाएगा। ये बहुत ही चमत्कारिक विधि है, काफी आजमाई हुई है। लेकिन जो मैंने आपको रूल्स बताए हुए हैं कि नॉनवेज, ड्रिंक, एल्कोहल, इन चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। कोई भी स्टोन पत्थर पहना है तो इसको आपको उतार देना पड़ेगा, तभी ये रेमेडी वर्क करेगी। मतलब कि शुद्ध तन मन के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में, अगर सही तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से अगर आप इस विधि को कर लेते हैं तो लाभ की मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन कंडीशन वही है कि जिस व्यक्ति का पहले से वशीकरण होता है या फिर कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन होती है या जिस व्यक्ति के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या कोई ताबीज वगैरह पहने होते हैं तो उन पर कोई भी तांत्रिक विधि वर्क नहीं करती है, जब तक कि उन चीजों को अलग ना किया जाए, रिमूव ना किया जाए उसके ऊपर से, है ना? तो यदि आप लोग काफी विधि ट्राई कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है तो एक बार हम मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ये विधि मुझसे करवा सकते हैं, आपको 100% वर्क करने वाली गारंटेड विधि करके दी जाएगी, ठीक है? और फ्रॉड केस जो होते हैं उनसे, जिनको ABCD नहीं पता होती है वशीकरण की, उन लोगों से बिल्कुल दूर रहें, ठीक है? थोड़ा अलर्ट हो जाएं। कोई व्यक्ति अगर एक दिन में, एक घंटे में अगर बोल रहा है तो समझ जाइए कि ऐसे लोग फ्रॉड हैं, ठीक है? अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और सही लोग, सही जगह संपर्क करें, ठीक है? और ये विधि करने के पहले वीडियो को एक बार देख लें, दो बार देख लें, जानकारी को अच्छे से समझ लें, और उसके बाद भी यदि कोई बात समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है उस तक की जानकारी को जरूर शेयर करें, ठीक है? आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।